हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स, नेवी और एनडीएस रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लास आपकी करा रहा हूँ, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट क्लास में आपको मैं 20 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी 8वीं 9वीं कॉन्सेप्ट क्लास है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए 120 तक मैंने बता दिया था, 120 से लेकर यहाँ पर मैं आज मैं आपको 140 तक बताऊंगा, ठीक है। चलिए, और ये बात ध्यान रखिएगा, इनको कॉपी लिख के जरूर रख लीजिएगा। थंबनेल में भी मैंने लिख दिया था कि आप इनको, मेरे पास देखिए ऐसे 1000 प्रश्न है, आप इनको कोई कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कॉपी प्लीज़ लिख लीजिएगा, अगर आपको एयरफोर्स में 18 का स्कोर चाहिए 20 में, ठीक है। नेवी में भी अच्छा स्कोर चाहिए तो, ठीक है, 22 से भी ऊपर 25 में, नेवी में 25 का होता है ना। एनडीए में भी अच्छा स्कोर मिलेगा अगर आप इनको सब नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चन हैं, देखिए, जैसे कि एक सेकंड रुकिएगा, जिससे कि इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि देख भी सकते हैं, डेरेशन है, आइडियम फ्रेज है, वन वर्ड है, करेक्ट स्पेलिंग भी है, एंटोनियम साइनोनियम सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए अभी तक 130 हुए, 140 तक कराने बहुत होते हैं, और 20 कॉन्सेप्ट क्लास है। हाँ चलिए देखिए, इसको ऐसे लिखा है, ओपन द विंडो, इसका मतलब क्या होता है, खिड़की खोलो। तो मतलब ये होता है, जब भी सेंटेंस में कमांड या ऑर्डर का तुम्हें बोध हो आपको, ठीक है, कमांड देने का या ऑर्डर देने का बोध होता है, तो इसमें तो ऑर्डर दिया गया, जाओ विंडो खोलो, तो मतलब खिड़की खोलो, तो ओपन द विंडो है, तो उसके हमेशा लेट का स्टार्ट, लेट से स्टार्ट करते हो, लेट से स्टार्ट करते हो तो लेट के बाद सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में बी लेट आता है तो बी लेके साथ में चलता है, लेट के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा। तो लेट तो आ ही गया, और सब्जेक्ट क्या था, द विंडो, तो द विंडो लिख दिया, बी लिख दिया, फिर थर्ड फॉर्म ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन एंड होती है, मैंने आपको बता दिया। इनको प्लीज़ कॉपी में लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, जहाँ पे कमांड और ऑर्डर का बोध हो तो वहाँ पे आपका लेट से स्टार्ट होता है, और सब्जेक्ट फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सब याद कर लीजिएगा। गुप्ता टॉक्स टू मच, जब भी टू के बाद में ये आप कॉपी प्रिंट कर लीजिएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब का बोध हो तो वहाँ पे आपका मोर आएगा। अब मोर अपने साथ अकेले नहीं आता, साथ में ये लेके आता है दैन रिच प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 122 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड गुड बाय है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या कोई विदाई सूचक शब्द होता है जैसे, ठीक है, तो वहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब में बेट का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आपको समझ ही नहीं आया कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, देखिए एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए, ये होता तुम्हारा रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता रिपोर्टेड स्पीच, इतना आ गया। अभी उन्होंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में ये वाले में यदि अलविदा सूचक या गुड बाय लिखा भी है, ठीक है, हो तो रिपोर्टेड वर्ब में, ये रिपोर्टेड वर्ब इसमें सेट की जगह में, मतलब रिपोर्टेड इस सेट में बेड लगा देते हैं, तो यहाँ पे बी ए डी हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना था, फिर सीधा पूरा आपका वही है, ठीक है। टू राइज द ऑक्वेशन, ऑक्वेशन मान लीजिए अवसर होता है, अब राइज में निकलना या फिर ढलना वलना होता है, निकलना होता है, तो अवसर के हिसाब से हम निकलना या ढल रहे हैं, तो इसको हिंदी में कह सकते हो, यही उसके हिंदी निकाल के लिखा गया कि अवसर के अनुसार अपने आप को ढलना, और यही इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू एक्ट एज द ऑक्वेशन डिमांड्स, क्योंकि आपका सीधा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना इसको, ठीक है। आइडियम फ्रेज है, ठीक है, इनको कॉपी में प्लीज लिख लीजिएगा। एक लक्षण ऑफ पोयम मतलब क्या होता है, फ्लावर्स होता है, बकट हो जाएगा, ठीक है, बकट, ठीक है। क्या है, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रो, जिससे गुजरा, थ्रो माने गुजरना, जिससे गुजरा ना जा सके, ठीक है, या फिर कह सकते हो अपारदर्शी, तो हो जाएगा तुम्हारा ओपाक, ओ पी ए क्यू यू ई, ओपाक माने अपारदर्शी होता है, ओपाक का एंटोनियम बताइए जरा क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, जो पारदर्शी होता है। 126 नंबर रुकिएगा, 129 तक हो गया, नहीं अभी कहाँ, 125 तक मैंने कर दिया, 126 यहाँ से करा दे रहे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, बाइनोकुलर्स की स्पेलिंग पूछी गई थी, बाइनोकुलर्स की स्पेलिंग राइट स्पेलिंग मैंने लिखी है, ठीक है, मैं रॉन्ग नहीं लिखूँगा, ठीक है, बाइनोकुलर्स होती है, और उसमें लिखा क्या था, डबल लाइन लिखा था, वो गलत मैं नहीं लिखूँगा, सही आप लिख लीजिए, इरर में आया था, मतलब इरर में मतलब कि मिस स्पेल्ड थी स्पेलिंग, ठीक है। तो इसमें बी आई एन ओ सी यू एल ए आर एस बाइनोकुलर्स होता है। 127 है, इर्नेस्ट माने क्या होता है, आपको ये बताइए जरा, इर्नेस्ट माने क्या होता है, इर्नेस्ट माने होता है महान, संकल्प युक्त, डिटरमाइंड माने भी होता है महान, संकल्प युक्त कठिन, तो इसका साइनोनियम दोस्तों हो गया, ठीक है, बता दिया मैंने। और ये 128 है,
ठीक है, फ्लिमसी माने ये देखिए, ये आपका एयरफोन पूछा गया था। देखिए एयरफोन अभी अंडे तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, ये जो नोट्स मैं बता रहा हूँ ठीक है, इनको कॉपी नोट कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, फ्लिमसी माने होता है ऊपरी कृत्रिम अस्थायी होता है, ठीक है, तो ड्यूरेबल माने होता है टिकने योग्य अस्थायी, तो इसका उल्टा यही हो जाएगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था फ्लिमसी का ड्यूरेबल होगा। व्हिप का सेकंड फॉर्म व्हिप्ड होता है, व्हिप्ड व्हिप्ड व्हिप्ड, थर्ड भी यही होता है व्हिप्ड होता है। और 31 है, 131 नंबर क्वेश्चन है, जियांट जियांटेस हो जाएगा ठीक है, ई डबल एस एस, चलिए हो गया। केवल 129 नंबर फिर से बताते, बताया नहीं था, बिलीव है, बिलीव का पूछा गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो बिलीव हो जाएगा, ध्यान रखिए बिलीव का अब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा गया तो बिलीव है। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन है। अब एंटोनियम्स हैं, उन्हें मैंने ढेर सारे लिए, क्योंकि मैंने देखिए अभी एक्टिव पैसिव वन वर्ड आइडियम फ्री ये सब मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, टेम्परामेंट, टी ई एम पी ए आर ए एम एंट, टेम्परामेंट माने होता है गुस्सा, ठीक है, तो एंगर माने भी हो जाएगा गुस्सा, तो इसका सनोन पूछा गया था टेम्परामेंट का, तो हो जाएगा आपका एंगर। नेक्स्ट 137 नंबर क्वेश्चन है, रिनाउंस माने क्या होता है, रिनाउंस, रिनाउंस आर ई एन ओ यू एन सी, रिनाउंस माने होता है पद को त्याग देना, रिजाइन माने पद को त्यागना। ठीक है, विनसम माने क्या होता है, विनसम माने देखिए इन सबको अगर कॉपी में नहीं नोट करेंगे तो बताइए जरा कि विनसम माने क्या होता है, फसिनेट माने, फसिनेटिंग माने क्या होता है, ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा बताइए जरा पहले। ठीक है, तो आपको स्कोर अच्छा चाहिए तो प्लीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, विनसम माने होता है मोहित करना, क्योंकि वैसे भी पेपर 20 नंबर का आता है, ज़्यादा मतलब मार्क्स का है नहीं एयरफोर्स का, तो अब 20 में एक एक नंबर भी कीमती है, समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, पर मेरा मानना ये रहता है कि एयरफोर्स का पेपर 20 नंबर का नहीं होता है, 15 नंबर का होता है। ठीक है, मेरा मानना ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि 5 नंबर पैसेज के वो कभी जोड़िया जोड़े मत जोड़ा करो, पता है पैसेज बहुत कठिन आता है लोगों को ये लगता है। देखिए पैसेज की ट्रिक है, ट्रिक तो कोई नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि पैसेज पकड़ा कैसे जाता है, सही कैसे किया जाता है। ठीक है, पैसेज सबसे लास्ट में वैसे मेरे हिसाब से करिएगा पेपर में हो सके तो। ठीक है, वैसे शुरुआत में आता है पहले नंबर पे सीधा, तो वो डर लगता है कि छोड़ देंगे, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, लगता है लाइनदार से करते चले जाए, नहीं तो लास्ट में भरोसा नहीं है, पर 20 मिनट बहुत होता है, आप तुरंत कर लीजिएगा लास्ट में, पर पैसेज करिएगा। ठीक है, हो सके तो, पर नहीं अगर कोई एक दो क्वेश्चन नहीं आते तब उसको छोड़ के, मतलब कि दो क्वेश्चन नहीं आ रहे मान लो 5 में, तो उसको छोड़ के पूरा हल कर लीजिए, फिर लास्ट में दो क्वेश्चन को ढूंढिए, पूरी कोशिश करिएगा। हिंदी निकाल नहीं पाएंगे पता है, सब नहीं निकाल पाते, अधिकतर नहीं निकाल पाएंगे उसकी हिंदी, तो कोशिश करिएगा कि उसकी थोड़ा बहुत समझ जाए, आप थोड़ा आंसर ले आए। ठीक है, चलिए उसके लिए ठीक, अच्छा पैसेज के लिए हम बता देंगे। ठीक है, सब कुछ विनसम, देखो विनसम माने मोहित होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होगा तो ये आप कर पाएंगे। फैसिनेटिंग माने भी मोहित करना होता है, आपको आ गया। रिजाइन और रिनाउंस माने भी पद के त्यागना होता है, साइनोनियम है, और ये भी आपके साइनोनियम है, ये भी साइनोनियम है। ठीक है, और पिक्चरिस्क माने क्या होता है, अच्छी फ़ोटो या फिर अच्छे फ़ोटो वाला, फोटोजेनिक माने भी अच्छी फ़ोटो वाला। चेरी माने क्या होता है, देखिए चेरी माने क्या होता है, सी एच ए आर वाई, चेरी आपने मतलब कि ये आपको लग नहीं रहा होगा, चेरी माने सावधान होता है, यही पेपर में आया था, तो किसी को लग नहीं रहा था, केयरफुल भी होता है। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्राबैंड माने होता है गैर कानूनी, तो गैर कानूनी को दूसरे में इलेक्ट भी कह सकते हो, तो सैनोनियम मान लो। ठीक है, हाँ, और डेरिलिशन माने क्या होता है, ध्यान ना देना, तो निगलेक्ट माने होता है ध्यान ना देना, निगलेक्ट माने ध्यान ना देते होंगे, ये भी पता होगा, निगलेक्ट माने पता होगा ध्यान ना देना, लेकिन इसका सैनोनियम पूछ लीजिएगा तो डेरिलिशन माने नहीं पता होगा आपको, ये पता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जेनिथ माने क्या होता है, पीक मतलब ऊंचा। ठीक है, रिप्रेजेंट माने क्या होता है, भद्दा बेकार, ठीक है, ओडियस, ठीक है, भद्दा बेकार। चलिए देखो 120 से लेकर 140 तक कराने थे, अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, लाइक करें ना करें वो बात अलग है, पर इनको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है।